करते हुए नजर आए, रिदम में नजर आए, कंट्रोल नजर आया, उसके बावजूद डिसअपॉइंटमेंट लग रही है, ऐसा लग रहा है कि शायद क्रिकेट से दूर जा रहे हो। नहीं, क्रिकेट से मैं दूर नहीं जा रहा, आई डोंट थिंक दैट करने की कोशिश की जा रही है। और अगर आपने देखा हो जिस तरह का माहौल बन चुका है और फिर जिस तरह मुझे साइडलाइन किया गया, और जब मुझे वहाँ पे वेकअप कॉल मिल गई थी टू बी ऑनेस्ट, जब मैं 35 लड़कों में नहीं आया था, अगर मैं 35 लड़कों के प्लान में नहीं आता तो इट मीन्स कि मेरे लिए एक वेकअप कॉल है कि मैं अपना फ्यूचर प्लान जो है वो देखूँ कि मैंने कैसे अपनी क्रिकेट को कैरी ऑन करना। तो क्या कैरी ऑन करना मतलब, लेकिन फ्यूचर प्लान टू बी ऑनेस्ट जिस तरह का माहौल बन चुका हुआ है और मुझे नहीं लगता कि मैं अब इस मैनेजमेंट के जो अंडर मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं जो है वो क्रिकेट छोड़ रहा हूँ इस टाइम, क्योंकि जो मुझे मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, और मैं आई डोंट थिंक सो कि मैं अब इतना मैं टॉर्चर बर्दाश्त कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने 2010 से 2015 तक बहुत टॉर्चर देखा, जो मैं क्रिकेट से दूर रहा, जो भी वो हुआ था एक वाकई उसकी मैंने सजा भी काटी, सारा कुछ हुआ, और फिर लोग बड़ा मुझे ये बार बार टॉर्चर किया जा रहा है कि जी पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया, पीसीबी ने बड़ा इन्वेस्ट किया। देखिए पीसीबी के दो बंदों ने, मैं आज भी क्रेडिट देता हूँ उनको, जिन लोगों ने मेरे पे इन्वेस्ट, एक तो 5 साल की मैं सजा काट के आया, कोई साल बाद मैं क्रिकेट में आया नहीं, दूसरा एक सेठी साहब को, क्योंकि उस टाइम उन्होंने सिंगल हैंडेड ली, और शाहिद अफरीदी, ये दो बंदे थे, क्योंकि आपकी बाकी टीम सारी उधर थी कि जी मोहम्मद आमिर के साथ हमने नहीं खेला, ये वो उन दोनों का मैं हमेशा से शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने उस टाइम मुझे टफ टाइम पे सपोर्ट किया था। बाकी अभी जो रिसेंटली आपने देखा जो माहौल क्रिएट किया गया कि हर बात पे टाउंड, मैं मतलब मैंने अपना पर्सनल डिसीजन लिया, उसको लोगों के सामने इस तरह गलत पेश किया गया कि पता नहीं मैं मुल्क से नहीं खेलना चाहता। मुल्क से कौन नहीं खेलना चाहता भाई, मुल्क से कौन नहीं खेला, मैं अगर उन्होंने इस तरह मेरे उस पर्सनल डिसीजन को लीगों के साथ अटैच किया, मेरा तो कमबैक ही लीग से हुआ था, अगर आपको याद हो मैं बीपीएल से मैंने स्टार्ट किया था, और उस टाइम तो मेरे पास बेस्ट टाइम था, अगर मैं लीगों के लिए मर रहा था मैं कहता जी भाई मैं अब जो है पाकिस्तान के लिए नहीं खेल सकता, मैं अपना इधर खेल रहा हूँ, मैं मुझे इन्जॉय करने दो, मैं तो ये था कि मैंने यार मैं वाइट बॉल में जितना भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ पाकिस्तान के लिए, मैं अपना बेस्ट दे सकता हूँ मैं दूँ, लेकिन हर एक महीने के बाद, दो महीने के बाद कभी आपके बॉलिंग कोच कहते हैं जी वो डिच कर गया, मैं कभी कहते हैं जी उसका वर्कलोड नहीं था, कभी मुझे 35 लड़कों के प्लान।